मुझे नहीं मालूम था कि हमारे घर के माहौल में इस कदर घुटन पैदा हो चुकी है कि बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं भी जाती हूँ। मैं खाला जन से माफी मांगती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के। आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं जा रही हूँ अपने घर। रिदा, मुझे माफ कर दो। रिदा, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। रिदा फहाद मुझे छोड़ देंगे, वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं आईंदा कभी नहीं करूंगी। हाला जनाब इसे कहीं ना मुझे ये माफ कर दे। रिदा प्लीज मुझे माफ कर दो, हम घर से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं ऐसा चाहती, मैं मर जाऊंगी इनके बगैर। प्लीज मुझे माफ कर दो। पहली मर्तबा फहाम ने मुझे ये रिश्ता खत्म करने का कहा है, खुद से अलग होने का कहा है। ये बात कभी मैं भूलूंगी नहीं रिदा, याद रखना। इस बात का मतलब मैं तुमसे नहीं करूंगी। रिदा बताओ ना, तुमने मुझे माफ कर दी फहाम? फहाम की खातिर ही माफ कर दो। अपने भाई के गाते माफ कर दो फहाम। माफ कर दो। देखो अब तो मेरे सबके सामने तुमसे माफी मांगी। अच्छा देखो, भाई का घर तो नहीं खराब करवाना चाहोगे ना तुम? तो अपने भाई के लिए माफ कर दो फहाम। हाँ देखिए ना, कुछ नहीं बोल रही, इसे कहीं ना मुझे माफ कर दे। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। जब वो माफी मांग रही है तो मेरा ख्याल है तुम्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। चलो अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना, मैं तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से अच्छा सा खाना बनाती हूँ, ठीक है? बल्कि नहीं फहाम, तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है ना? मेरी गुड़िया को पिज्जा पसंद है ना? हम बाहर चलते हैं, हम पिज्जा खा कर आते हैं। क्यों फहाम, आप हमें लेके चलेंगे ना? ठीक कह रही है वैसे, मैं भी यही सोच रहा था, थोड़ा घर का माहौल भी बदल जाएगा। चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अम्मी जी बल्कि आप भी चले ना हमारे साथ, अच्छा हो जाएगा। नहीं मुझे नहीं जाना कहीं भी। ठीक, अम्मी जी नहीं जा रही हैं, शायद उन्हें रेस्ट करना है। तुम्हें जाना है या तुम भी रेस्ट करना चाहती हो? चले भाई। मुझे लगता है इस मौके पर कम से कम आपको मेरा साथ देना चाहिए था। मुझे लगता है इस मौके पर कम से कम आपको मेरा साथ देना चाहिए था। मेरा बेटा अपनी माँ को ही अपना दुश्मन समझने लगा है। अब मुझे ये सारी हकीकत फहाम को बताना होगी। आज ही करती हूँ मैं फहाम से बात। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। रिदा कहाँ है? रिदा फहाम के साथ पिज्ज़ा खाने गई है, बहुत दिनों बाद आई थी ना, तो मैंने इसरार किया कि बेटा चली जाओ। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ हाँ, बताया था रिदा ने कि माँ जी की तबीयत ख़राब है। मैंने उसे इसरार किया कि बेटा आ जाओ। दरअसल मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मैंने सोचा वो आएगी तो मेरी तबीयत संभल जाएगी। अब ठीक है? हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ।
तुम बैठो बेटा, चाय पियोगे या खाना लगवाऊं? माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी बुला दीजिए उन्हें। मैं फोन करती हूँ, अभी पहुंच जाएंगे वो लोग। तुम बैठो बेटा। फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? बर्थडे पर इस किताब के साथ मेरा ये मोहब्बत भरा पैगाम कबूल करो। आई लव यू।